अरे तो पलट गई है मेजर, लगता है इसका हेवी रेन वाला बात सच हो जाएगा। इन लोगों को तोड़ के भगाया था, एक बार वापस आए ना ये लोग। कुशल भाई लगता है इसका हेवी रेन वाला बात सच हो जाएगा। मौसम तो सुबह से वही बना है, सुबह से बना है तो मुंबई में क्या एक घंटा नॉन स्टॉप भी बारिश होगी तो हेवी रेन होता, बाढ़ आ जाती है। मैं नहीं मानता ज्यादा बाढ़ नहीं आती है। अरे वो कुर्ला भरता है, कुर्ला साइन भर जाता है। लोअर परेल भरता था अपना ये परेल टाटा, तो उसने फ्लावर बना के टेंशन ही खत्म कर दिया, नीचे वाले डूब जाओ साले। तो वो याद है एसटी बस वाले, याद है कि 1.5-2 लाख रुपए लेके बैठा था, 8-12 घंटा बस के ऊपर बैठा था, बस का ही पैसा था पूरा 12 घंटा समझो, उसने पूरा 1-1.5 लाख रुपए लेके बैठा था। पानी कम हुआ फिर बस से उतर के जाके उसने पैसा जमा किया। अब सोचो उसकी ईमानदारी लेवल कितनी देगी। तुम क्या कर रखा है आज? बस नहीं है बर, मग काय पाऊस पाडायचा का? ते आता आपण 588 116 88 सांगतो ना म्हणत काय ऐका ना, रशियाचा कस्टमर आहे भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी लाईन मैं नहीं बताऊंगा। शंभर जोड़े मध्य एक जोड़ी उड़वाई, एक 220 पानी मध्य एक पाना उड़वाई। नंबर देखिए इन लोग तोड़ के भगाया था, एक बार वापस आए ना ये लोग। फ्लैट भाड़े पे दे दिए। चढ़े सटासट निकलो, नीचे कितना पानी है फर्क नहीं। अब भाई क्या कर रहा है, गोवा से आया इधर पागल हो गया, चुतिया समझा मेरे को। जी ये पासिंग है, कोई गोवंडी में थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा तो मिले, तो निकल जाएंगे फिर। हाँ फ्लेवर मस्त है ये। लगता है जस्ट अभी 5 मिनट में गिरा है गाड़ी थोड़ी देर पहले, क्योंकि बंदा अभी भी हाथ लेके बैठा है। पता नहीं क्या हुआ बट गाड़ी तो पलट गई है, मेजर इंजरी है, किसी को लगा तो नहीं है ज्यादा, खाली ड्राइवर हाथ पकड़ के बैठा है शायद, उसी को लगा है थोड़ा बहुत, बाकी उसकी माँ भी थी गाड़ी में, वो सेफ है पूरी। देखा गाइस इसके लिए बोलते हैं ना, गाड़ी जितना हो सके ना हाईवे पे बारिश के टाइम में स्लो चलाइए। गाड़ी फास्ट थी शायद, उसकी फास्ट भी क्या 40-50 के ऊपर चलती रहेगी, थोड़ा डिसबैलेंस पूरा लेफ्ट से जाएगी गाड़ी, उसकी पलट गई। हालांकि मेजर इंजरी थी नहीं कुछ, खाली ड्राइवर जो चला था उसी को थोड़ी सी लगी हाथ पे, गाड़ी में उसकी माँ भी थी बट शी वॉज टोटली सेफ, उसको कुछ लगा नहीं है ज़्यादा। पुलिस आएगी अभी और देखते फिर गाड़ी उठाएंगे उसके। वैसे भी संडे को मैंने ट्वीट पढ़ा था कि मुंबई में 2 दिन के लिए बोलते हाई बारिश, मतलब ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो वैसे तो आज मंडे है, वैसे तो दिख ही रहा है, देखो आज सुबह से क्लाउड है पूरा और बारिश ऑन ऑफ चालू है, आ रही है जा रही है। सुबह में थी 1 घंटा नॉन स्टॉप बट अभी टोटली बंद है। अभी देखो मैं टूवर्ड्स थाने की तरफ भी जा रहा हूँ, हाईवे टोटल सूखा है, मतलब यहाँ पे लास्ट 2-3 घंटे से बारिश नहीं। मौसम भी कितना ठंडा हो रखा है यार, जितना भी हवा लग रहा है एकदम ठंडा हवा लग रहा है। मजा आ रहा है गाड़ी चलाने से, लग रहा है कि लॉन्ग राइड भी निकल जाओ, लेकिन नहीं जा सकते, संडे वनडे जाएंगे कभी। बाकी तो क्या है, बस बारिश आए नहीं तब तक मज़े ले लो, जहाँ बारिश आया तो फिर मोबाइल कैमरा डालो अंदर और चलो चुपचाप। वीडियो वाले ब्लॉग में ना अपने को ढाबा दिख रहा है, मैं आपको ढाबा दिखाता हूँ। ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में जो ढाबा दिख रहा है ना, ये
ये ढाबा था जहाँ पे हमने खाना खाया था, बहुत मस्त टेस्टी खाना बनाते। कभी हम लोग इधर नहीं भी जाना रहता और होटल नहीं समझता ना हम लोग को, हम लोग यहाँ पे आ जाते खाना खाने के लिए। काफ़ी टाइम खाया, एकदम सस्ता और अच्छा खाना मिलेगा आपको यहाँ पे। बस क्या थोड़ा भीड़ रहता है, बट भाई सर मेरे लेफ्ट में पूरा पहाड़ देखो, एक सेकंड अभी बिल्डिंग रहा, आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, पूरा बादल से ढक गया हो, उसके पीछे तो और मस्त दिख रहा है। देखो बारिश आई तो बहुत तेज बारिश आने वाली गाइस, वो देखो मेरे लेफ्ट में पूरा बहुत तेज आएगी, इससे पहले पहुंच। तो थैंक गॉड अभी तक बारिश तो आया नहीं है, काम तो मेरा हो गया। अभी थाने में हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ टूवर्ड्स घर की तरफ, देखते हैं रास्ते में बारिश आता है कि नहीं। VIP की एंट्री, इंडिया की ये तो खासियत है यहाँ पे VIP को इतना ट्रीट किया जाता है ना कि उसके चक्कर में जो रोड पे आम पब्लिक चलती है ना वो परेशान हो जाती है। उनको एंट्री करने के लिए हमको आधा आधा घंटा एक एक घंटा एयरपोर्ट पर रुका देंगे, बीच हाईवे पर रुका देंगे, पता नहीं क्या रहता हो VIP में। ये लोग ऐसा हत्या देते सब लोग को, किसको ऑफिस जाना है, किसको लेट होना है, क्या है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके। क्यों? VIP मूवमेंट है ना इसके लिए। जाते जाते देखते राइट साइड में जहाँ पे टेम्पो गिरी थी, अभी तो उसी टेम्पो उठी है कि नहीं उठी है देखना पड़ेगा। उठ तो जानी चाहिए वैसे अभी तक, क्योंकि इतना तो पुलिस भी हो नहीं अपनी, फटाफट आके उठा देती है। लेट्स सी अभी आगे जाएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। माइक का प्रॉब्लम बहुत आता है, देखो मैं हेलमेट में उसको इतना प्रॉपर फिक्स करके रखा हूँ ना, फिर भी क्या मालूम कहाँ से वो घसक जाता है नीचे और उसका आवाज़ ये आता है। वो कुछ करना पड़ेगा इसका, एयर फिक्सिंग सर्विसिंग करना बाकी है, टाइम नहीं मिल रहा था करके मैंने कल इसका ऑयल चेंज कर दिया, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ऑयल चेंज करा दो, उसके बाद क्या एक दो दिन रुक के भी अगर मैं सर्विस कराऊँ तो कोई इशू नहीं, ऑयल इंपॉर्टेंट था। ऑयल चेंज करा दिया, इसका गियर ऑयल भी बराबर है, बाकी पिकअप से तो लग रहा है एयर फिल्टर ठीक है। देखेंगे थोड़ा बहुत क्या है, जनरल चेकअप वगैरह इसका अच्छे से करा लेंगे, फिर देखते कहाँ लेके जाना है इसको, अभी तक कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। बाय द वे मैंने आपको बताना बोलिए, मैं थाना गया क्यों था, एक्चुअली मेरे फ्रेंड का DSLR कैमरा था, वो मुझे चेक करना था बराबर है कि नहीं, कि उसको कैमरा बेचना था। तो मैं सोचा एक बार जाके देख लेता हूँ अगर शायद मेरे लायक है नहीं है क्या है, बट देखा कैमरा तो मेरे को नहीं जमा कैमरा। एक्चुअली क्या वो फ्लिपेबल डिस्प्ले नहीं था, कैनन का 1500D था जो कि लास्ट में 1300D था, सेम उसके कंपेयर में ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है देखते, अगर सब बेचने का प्लान रहा कंफर्म तो किसी और को भेज देंगे उसका लैपटॉप, सॉरी कैमरा।